बताओ सब एकदम बढ़िया हो गया। मैं आपका प्रतीक गाजियाबादी भाई लेके आ चुका हूँ एक मॉडिफाइड थार। तो भाई पहले बुलाते भैया इनके ओनर को, आ जाइए भैया। कैसे हो? बढ़िया भाई, सुनाओ। राम बढ़िया राम भाई। राम राम भाइयों। तो यार अपना एक बार नाम बता दो। प्रियांश पवार नाम है भाई। पवार ब्रदर्स चैनल मेरा है, चैनल का नाम है। ठीक है, तो यार हम ये जानना चाहेंगे जो आपकी जो गाड़ी है ये पहले कौन सी है और आपने इसको कब परचेज किया था? आज तक एक साल पहले जनवरी में परचेज किया था। महिंद्रा थार गाड़ी है, डीजल डीजल और मैं टॉप मॉडल रहेगा है ना। तो भैया इसमें आप स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आपने इसमें मॉडिफिकेशन आपने इसमें करवा रखी है? मॉडिफिकेशन सबसे पहले अभी हाल तुरंत में करवाया रैप। अच्छा। हाँ जी, रैप पूरे इंडिया में इसी थार पे जी, ये वाला है। तो हम ऐसे कह सकते वन इन इंडिया वाली अपनी थार है ना। ठीक है, तो इस रैप का भैया क्या इसका एक आपका रहा कि आपको कैसे मिला और क्या इसकी जर्नी रही कि आपने इसको लगा कि भाई ये वाला रैप करवाना चाहिए? भाई पहले था इसका ब्लैक कलर। ठीक है, ब्लैक कलर से यूं लो जी भर के एक साल हो गया पूरा। हाँ जी, रील वील पूरा जो भी होता है कर लिया पूरा अपना कंटेंट कर लिया यार कि रैप करानी है गाड़ी। ठीक है। अच्छा, फिर रैप में येलो ब्लू नीला काला पीला हर तरीका देख लिए। ठीक है, ना बनी बात। फिर जो भाई है मोड नेशन वाले आपके नोएडा से ही है वो। हाँ जी हाँ जी। उन्होंने सजेस्ट किया कि ये एक होंडा सिटी में हो रखा है। अच्छा। हाँ, एक होंडा सिटी दिल्ली की। ठीक है, उस पे हो रखा है लेकिन थार पे नहीं हो रखा। वो बोल रहे कि एक बार थार पे ट्राई करते हैं इसको। ओके, ट्राई करते हैं। लेकिन जैसे इसका बोनट हमने करा रैप, हाँ जी, तो मतलब समझ में आ गई कि भाई हाँ लग रही है गाड़ी। मैं कहा भाई पूरी गाड़ी इसी पे कर दो। ठीक है, तो भैया जैसा आपने इसका करवाया मॉड नेशन से आपने इसमें करवाया, तो इसका लगभग क्या आपका इसमें खर्चा आया होगा? 30-35 हज़ार का खर्चा आया। 30-35 हज़ार का अपना खर्चा है, तो सही है वो तो है ना। ठीक है, अब बात करें यार एक बार इसकी ग्रिल की, तो ये ग्रिल कौन सी होगी भाई? ये एंग्री बर्ड वाली ग्रिल है। एंग्री बर्ड वाली ग्रिल जो आपकी आजकल में थार वगैरह में काफी चल रही है। ठीक है, तो जैसा हम इसमें देख पा रहे हैं ये अपनी है ग्लॉसी ब्लैक में। तो इसमें जो आपने काम करवाया अपने कर्ल बॉक्स से करवाया या फिर आपने इसको कहां से? ये मोटर गैराज है अपना भाई गुड़गांव से। ठीक है, उससे ली है जी ग्रिल। ओके, वो मतलब ग्रिल बनाता ही है जी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि उसकी शॉप है। हाँ जी, वो पूरी मैन्युफैक्चरिंग करता है सारी ग्रिल, उसी के वहां से उठ के जाती है मार्केट में। ओके, तो ये तो काफी एक नॉलेज वाली बात है। हाँ, कि जिसको भाई वहां से ले सकते हो वहीं से अपना ले लो आराम। हाँ, से सही है। हाँ, करोल बाग में हमने कोई धक्के खाने की फिर कोई जरूरत नहीं है जी। आप यकीन ना मानोगे, बस आज तक जिंदगी में एक बार करोल बाग गया हूँ। अच्छा, एल्टो गाड़ी ही। ठीक है, पुरानी वाली, वो भी जस्ट वैसे ही डोलने के कि एक बार करोल बाग देखता हूँ कैसा हो। बाकी बस जिंदगी में करोल कभी नहीं काम ना करवाया, लेकिन अब इच्छा है एक बार जाऊं तो उसे देख करता हूँ क्या चीज है वहाँ, क्या चीज है और क्या आपने वहाँ का रेट वगैरह आजकल चल रहा है चीजों का। लेकिन अब जाने की प्लानिंग है मेरी। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं भैया आपने इसके अंदर अपने हेडलाइट्स भी हमने चेंज करवाई हैं। हेडलाइट कौन सी होंगी ये भाई? ऑनलाइन मंगवाई है मैंने। ओके। हाँ जी, तो ऑनलाइन पे जैसे आपने इसको मंगवाया तो कैसा आपको भरोसा, आपको एक बार बताओ कैसे बैठ गया ऑनलाइन मंगवाने पे? बैठ गया, जिन भाई से मंगवाया था ना। हाँ जी, बड़े अच्छे भाई थे वो। अच्छा, और मतलब भरोसा हो ही गया यूं लगा लो, और काफी अच्छी है, जी वैगन वाली लाइट है। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है। ओके, तो एक बार हम इसके हम डीआरएस वगैरह भी इसके अंदर है, एक बार वो हम ऑन कर सकते हैं? हाँ जी हाँ जी, कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये देख लो भाई एक बार हेडलाइट्स, ये देखो बढ़िया। तो ये अपने यहाँ पे स्टार्स वगैरह भी लगे हुए हैं एक लुक वाइज के लिए, येलो कलर में है शायद ये, और यहाँ का ये अपनी डीआरएस है बढ़िया। वैसे एक बात बताओ, ये जो तुमने हॉर्न जो बजाया ये तुमने हमें डराने के लिए बजाया, हम एकदम यहाँ कान में खड़े, तुमने तो डरा दिया हमें बिल्कुल ही। तो हमारे मेहमान है तो डरेंगे तो हमें कहाँ मिला यार। ठीक है, मजे ले रहे हैं भाई से। अच्छा, जैसे हम इसमें देख रहे हैं आपने हेडलाइट आपने चेंज करवा दी, तो आपका मन होगा इसमें फॉग लैंप भी अपने चेंज करवाए? जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं आईपीएच के भाई अपने प्रोजेक्टर हेडलैम्प फॉग लैम्प इसमें भाई ने लगवा रखे हैं। तो आप जब आपने इसके अंदर फॉग लैम्प अपने लगवाए तो इसमें आपने कौन से बल्ब वगैरह लगवाए फिर? भाई यू चीज है जो यू बम्पर, यू अरुण भाई है हमारो, ओके भाई। हाँ जी, वाको हुई बम्पर। अच्छा, मैंने अपनी थार बेच दी तो मेरी बात भाई तो बात होगी कि भाई बम्पर मैं ले लूंगा। हाँ जी हाँ जी, भाई का बम्पर मैंने ले लिया। अच्छा, जो अपने अरुण पवार भाई है ना। ठीक है, जो उन्होंने व्हाइट वाले जो करा करवा के थार बेची वो उन्होंने बेच दी, उसका बम्पर मैंने ले लिया, उसका बम्पर है सही है और उसी के फॉग लैम्प। ओके, तो इसके अंदर फिर आपका रिस्पांस कैसा लगा आपको? बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा है। ठीक है, तो फिर आपको हेडलाइट रात को यूज करने की जरूरत पड़ती है आपको? भाई सामने वाला आदमी यूं कहते हैं भाई तू साइड में ले जा, साइड में से ले जा हमारे आंख मत फोड़। ठीक है, तो हम जैसे इसमें भैया देख पा रहे हैं और एडिशनली हमने इसके अंदर अपनी जेड ब्लैक में फिल्म करवा रखी है। तो यार जेड ब्लैक का आपने जब इसके विंडशील्ड भी अपने इसमें करवा दी, रात को चलाने में आपको कोई दिक्कत आती है आज तक? कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना, ऐसी आंख है बिल्कुल आर पार दिख है। सही है, ठीक है। तो इसमें हमारे भाई रहे ड्राइवर। अच्छा, ये भाई बैठे हैं, इनकी ऐसी भट्टा सी आंख है, आदमी खोल कर धर दे बिल्कुल और सामने वाले को और खोल दे। ठीक है,
तो इसमें हम देख पा रहे हैं भैया आपने ये वाली कौन सी लाइट्स लगवा रखी है अपनी? ये भाई हमर वाली लाइट लगवा रखी है। तो ये भी अपनी मतलब मल्टी कलर में जलती है फिर एक सिंगल ये पीले वाली? पीले वाली है लेकिन हटवा दिए इनका कनेक्शन। अच्छा ऐसे क्यों? और बढ़िया ना लगे भाई, ये ऐसे ज्यादा बढ़िया लगे, ऐसे ज्यादा बढ़िया लग रही है ना वो, फिर वो एक चीज ऐसा लगता है कि एक बार ज्यादा हो गया अब है ना। तो मतलब अपनी ऐसी गाड़ी है कि यार अपनी सिंपल भी है मॉडिफाइड भी है और अपना काम पूरा चल रहा है ठीक है। तो यार मैंने एक चीज देखी इसमें, मैंने एक चीज नोटिस करी, आपने एलॉयज का काम क्यों नहीं करवाया भाई? क्योंकि जब हम थार वालों को देखते हैं थार वाले भाई का सबसे पहला काम होता है अपने एलॉयज लगवाएं। हाँ जी कनाडा आ रहे हैं? कनाडा से आ रहे हैं। अच्छा मार्च में पहुंच जाएंगे, मार्च में पहुंच जाएंगे, सही है। देख रहे हो एरिया, देख रहे हो हमारा? हाँ जी यहाँ खेत है। हाँ जी तो गेहूँ बो रहे हैं जी हम, ठीक है यही राइड करेगा गाड़ी, यही चले रोड बना चला यहाँ चले। अरे मतलब फिर मैंने सही है, समझ गया मैं किस लिए, समझ गया। ये अलॉयज सबसे बेस्ट है, जो अपनी कंपनी वाली बात तो वही होती है जो कंपनी दे रही है सबसे चीज बढ़िया होती है। इनको मजा ले लियो ठीक है भाई, जैसे कहिए कनाडा से आ रहे हैं। हाँ जी कनाडा से आ रहे हैं, महीना में लग जाएंगे। सही है। तो हम इसकी अगर बात करें साइड प्रोफाइल की, तो भाई ने भी इसको यहाँ से अपने पूरा जेड ब्लैक फिल्म में लगवा रखी है और भाई मतलब पूरी मान के लिए पूरी जेड ब्लैक है अपना, काला सबसे काला रंग तो भैया अपना फेवरेट है भाई को देख रहे हो भाई, पूरी अपनी काली शर्ट पूरी अपनी जिंदगी पूरी मैट ब्लैक ग्लॉसी ब्लैक। अब बात करें यार एक बार रेयर लुक की, तो रेयर लुक भी भाई अपना वही है, एलॉयज अपने नॉर्मल लगे हुए। इसमें आते कितने भैया, कितने इंची के? 18 इंची। तो 18 इंची आपको लगता है कि सही है या और बड़े? बहुत बढ़िया है ठीक है। तो ये कौन सी ब्रांडिंग है चौधरी हरिलाल जी? हमारी जिंदगी की ब्रांडिंग है, हमारी जिंदगी की ब्रांडिंग है जो आज हम यहाँ खड़े धरती पे। हाँ जी बाबा दादा का कारण है ठीक है। तो यार फुल रिस्पेक्ट अंकल जी को, फुल रिस्पेक्ट ठीक है। तो अब बात करें अगर इंटीरियर की है ना, तो भाई अब बारी भाई अपने इंटीरियर की, तो इंटीरियर में आ जाओ। अब तुम्हें दिखाते हैं भाई पूरी महफिल जो पूरी अपने जेड ब्लैक हो रखी है। सबसे बढ़िया काम तो भाई है धूप ना लगे। हाँ धूप ना लगे, गाड़ी जल्दी ठंडी हो जाए। करेक्ट। पुलिस वाले भाई पता ना क्यों चालान काटे। देखो जी मैं तो सभी पुलिस वाले इंटरव्यू कहना चाहूंगा, हाँ जी हम कोई गलत आदमी ना है ना कुछ गलत काम कर रहे हैं। हाँ जी तो यू एक शौक है जी हमारो, या हाथ जोड़ के विनती है मेरी, या हमें पूरा कर दो जी, कोई बात ना बढ़िया लगे गाड़ी, कोई गलत काम ना कर रहे हम। और दूसरी बात फायदा इसका ये है धूप तो बचा रही है, गाड़ी 2 मिनट के अंदर अंदर ठंडी हो जा रही है। अरे ऐसी है जी ज्यादा मैं बढ़िया चाहना रहा हूँ आपसे, ठीक है बाकी आपकी मर्जी है, काटोगे तो जी काटोगे ठीक है। तो अब बात करें भैया इंटीरियर में आपने क्या क्या काम इसमें आपने करवा रखा है? इंटीरियर में भाई मैंने सिर्फ और सिर्फ कंपनी से काम करवाया। अच्छा 70,000 रूपए का ठीक है। रैप ये करवाया है, हैंडल पे ठीक है, हैंडरेस्ट ठीक है, सीट कवर। अच्छा हैंडरेस्ट भी? हाँ क्योंकि थार में तो आता नहीं है अपना हैंडरेस्ट, आता नहीं भाई। तो अपने कंपनी से इसको लगवाया, तो ये अगर हम इसकी बात करें अगर किसी को लगवाना हो आज के टाइम पे, तो आप ये प्रेफर करोगे ये बाहर से कंपनी से मतलब कहीं लगवाएं? यही लगवाएं ना, मैंने करोल मांग में आज तक नहीं गया, बस एक बार गया अल्टो को लेके ठीक है। तो आपका मतलब बस देखने गया था, मतलब मजेदार है ये वाली चीज ठीक है। तो अब बात करते हैं आपने दो चीजें बताई, एक आपने ये करवाया एक आपने यहाँ पे लगवाया सीट कवर, पीछे वाले दोनों हैंडरेस्ट ठीक है, पीछे भी नहीं आते थार में पीछे वाले लगवाए, और दो अपने कप होल्डर्स भी है ठीक है, और बस इसमें कुछ ज्यादा जरूरत है नहीं भाई भी, ज्यादा जरूरत है नहीं ठीक है। तो भैया इसमें जैसे बात करें आपके जो म्यूजिक सिस्टम है, म्यूजिक सिस्टम में आपने अपग्रेड किया या वही अपना नॉर्मल है? वही है वही, बड़ा प्यारा म्यूजिक सिस्टम है, सही है कंपनी वाला बहुत बढ़िया है। काफी लोग होते हैं ना हर चीज छिड़वाने की आदत होती है सबको कि ये भी लगवा लो वो भी लगवा लो, से मेरा मानना ये है कि भाई गाड़ी में अंदर से कुछ छिड़वाने नहीं चाहिए, वो फिर आगे चल के खटर पटर की आवाज आ ही जाती है, बाहर से तुम कुछ भी करवा लो लेकिन भीतर भीतर नहीं है, बाहर बाहर से भाई, मतलब भाई का यही कहना है जो काम करवाना बाहर से करवा लो, इंजन ना छिड़वाओ और इंटीरियर ना छिड़वाओ। इंटीरियर में भाई अगर छिड़वाना तो लोग छिड़वाते बस अपने म्यूजिक सिस्टम में अपने ये लगवा लिया बस, ज्यादा भाई अगर क्योंकि ये गत्ते वत्ते खुल जाते हैं ना फ्यूचर में इनके लॉक टूटने लग जाते हैं फिर खतरा पटरा आ जाती है ठीक है। और भाई का जैसे भाई ने बताया कि हमारे यहाँ खेतों में चलती गाड़ी तो उछलती तो अपनी पूरी खटर पटर अगर आ जाए अगर इनको खुलवाने के बाद, तो फिर वो फिर तंग है क्योंकि आपको फिर मैकेनिक के ही खड़ी रहेगी, अभी ठीक करवाई फिर गड्ढे में गई फिर आवाज आ गई। हाँ भाई अभी लगा लो 1 साल हुआ पिछले जनवरी में ली मैंने गाड़ी। हाँ जी और अब फरवरी चल रही है, 40,000 किलोमीटर चला दी मैंने गाड़ी। अच्छा 10 की एवरेज लगा, 4 लाख का तो तेल तेल पिला दिया गाड़ी को, मतलब पैसा तो फिर आपने सही लगा रखा है इस पे ठीक है। यार एक बात बताओ यार, मैं भाई को जब मैंने पहली बार देखा मेरे को ये बताओ किस किस को भाई, भाई की जो एकदम ऐसे लुक आ रही है ऋषभ पंत वाली आ रही है ये भाई एक बार मेरे को कमेंट डाउन करके बताना, और भाई एक बार अपना चैनल और इंस्टाग्राम आईडी एक बार मेरे को फिर से बता दो भाई। पवार ब्रदर्स के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है और पवार ब्रदर्स के नाम से ये अपना यूट्यूब आईडी है ठीक है। तो यार अब बात करते हैं आपने म्यूजिक सिस्टम तो बहुत बतेरे देख लिए होंगे कि यार इसमें ये लगा हुआ है इसमें ये लगा हुआ है, जो कंपनी से आ रहा है अब उसको एक बार सुन के देखते कि कंपनी वाले में कितना मजा है।
अरे भाई अपने म्यूजिक सिस्टम के जो इसके अंदर भाई अपना स्टॉक ही है, मैं मेंशन कर रहा हूँ बाहर से मॉडिफाइड है गाड़ी, इंटीरियर में भाई ने जो अपना जो हर कोई नॉर्मल गाड़ी खरीदते जो काम करवाते वो वाला काम करवा रखे भाई ने, कि पूरा अपना कंफर्ट बना रहा है। ठीक है तो भाई एक बार प्ले कर दीजिए। तो यार मैंने एक चीज देखी, मेरे को आपको जो जो चेंज कराने की आज तक जरूरत नहीं आई वो इसलिए नहीं आई क्योंकि इसकी जो प्लेसमेंट है वो सबसे बढ़िया जगह है। अगर इनकी प्लेसमेंट अगर इधर इधर या दरवाजों पे होती ना तो आपको कहीं ना कहीं लगता कि यार वो चीज चेंज करवाने के अपग्रेड करवाने की जरूरत है। हाँ। पर इनके जहां इन्होंने सेटिंग बिठा रखी है ना यहाँ एकदम सर पे भाई कान के पास अपना आ गया तो फिर क्या जरूरत आ रही है, ज्यादा अपने वॉल्यूम बढ़ा लो। हाँ। बस तो भाई अपना तो यही था। और मेनली भैया ने जो इसमें काम और करवा रखा वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो भैया ने इसके अंदर 70 वाले अपने मैट्स लगवा रखे हैं, है ना। ये मैट्स भी भाई अपने अपने वही कंपनी से लगवाए फिर कंपनी फिटेडी। ठीक है तो आज तक आपने इसके ऊपर अपने कितना अगर इसमें सारा मिला जुला के कितना पैसा आपने इस पे खर्च कर दिया होगा भाई? कोई अंदाजा नहीं है ना, क्योंकि यार मैं वही देख रहा हूँ काम नहीं कराया मैंने इधर उधर, कभी कुछ टाइम पास करने के लिए कभी कुछ तो कभी, मतलब भाई का तो ऐसा है कि अगर मन बन गए तो उसको रेंगुलर बना देंगे वरना अपनी ऐसी रहने देंगे। ठीक है तो यार वीडियो का अच्छा यार एक चीज अच्छी मेरे को लगी इसमें कार्बन फाइबर की लुक दे रखी है, ये भी आपने मतलब ये पहले से आता था? कंप्लीट फिटेड है जी। ये तो फिर बढ़िया है, महिंद्रा मतलब लुक पे भी अपना काम पूरा अपना कर रही है। ठीक है तो आपका आज तक इसके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि कोई यार ये दिक्कत इसमें आ रही है या फिर कभी ये चीज अच्छी देनी चाहिए थी ऐसा कुछ रहा आपका कभी? रहा भाई कई बार रहा है, एक बार नहीं कई बार रहा। क्या क्या चीज आपकी रही? मेरी जी एक इंजन की प्रॉब्लम रही। अच्छा। मैंने ना पहले दिन ली मैंने गाड़ी जैसे 4x4 ली थी, खेत में डाल दी गाड़ी। हाँ जी। ऑफ रोडिंग करी खूब बढ़िया। हाँ जी। दो चार दिन भाई वायरिंग खत्म होगी गाड़ी की उत्तरी। तो फिर एक बार मैंने ड्रिफ्ट वगैरह करी गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग की, डिफरेंशियल लॉक टूट गया। ओके। तो मेरे को था कि भाई महिंद्रा थार है ऑफ रोडिंग कैपेबल है, ऑफ रोडिंग कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। ऑफ रोडिंग व्हीकल ये इतना नहीं है जितना हमने हाइप बना रखी। हाइप बना रखी जो भाई देखो मतलब ऐसा है जहाँ टोयोटा फॉर्च्यूनर एंडेवर नहीं जाएगी वहीं चली जाएगी। हाँ, क्योंकि छोटी भी एक तो तरीके से उनके हिसाब से चली जाएगी भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कहीं चली जाएगी, हर कहीं चले जाएगी भाई। जीप रेंगलर की होड तो ना हो। ठीक है। रेंगलर है, थार है। 70 लाख और 20 लाख में बहुत फर्क है भाई। पर 20 लाख रुपए में भी अगर इसको जो इसकी जो एक लिमिट है जहाँ पे भैया हाँ मैं इतने में चले जाऊंगी, अगर वो चीज आपको पता है कि भैया 50 लाख हाँ। तक की फॉर्च्यूनर ले आओ और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये भी वहीं चले जाएगी, वो भी चले जाएगी, वहाँ तो डबल आगे लेके जाऊंगा वही है। तो एक तो वो होता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए बंदे को। अब जो बंदा एकदम नैनो चला रहा है आप नैनो वाले को एकदम से आप फॉर्च्यूनर दे दोगे वो नहीं चला पाएगा, क्योंकि भाई वही तरीका है, एक चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपकी गाड़ी कहाँ तक जा सकती है। अब भाई ने जो स्टार्टिंग में जो चीज करी अब आप लोगों को बोलते कि वो चीज आपको करनी चाहिए कैसे है आपका मतलब एक बार लग गया करनी चाहिए भाई, करनी तो चाहिए। अपनी गाड़ी है, मेरा तो मानना ये है, हमारे चाचा ताऊ को मानना ये भाई कि गाड़ी ली है। हाँ। तोड़ो फोड़ो खूब मजा लो, गाड़ी ऐसे मत रखो घर चमका के गति, वो खड़ी है हमारी। हाँ। गाड़ी गति समझ रहे हो ना, तोड़ो। अरे जब बेचोगे तो 2-2.5 लाख मंदी बिक जाएगी कम से कम, यूं तो रहेगा कि हाँ खूब चलाई है यार, खूब चलाई है, हमने पैसा वसूल करो अपनो। यार एक बात है, 15 लाख की मैंने गाड़ी ली है। हाँ जी। जब तक मैं गाड़ी में पूरी मतलब ना करूंगा वसूल ना करूंगा, गाड़ी का काम क्या है, चलने का काम है, चलने का है। अरे मैं चलाऊंगा ही ना, क्योंकि मैं ये सोचूंगा नहीं चलाऊंगा तेल फूकेगा ये होगा। अरे जब तक ये चलाऊंगा ना तो 15 लाख तो मेरे वेस्ट जा रहे हैं, घर खड़ी है, खड़ी है दुनिया की गाड़ी, घर खड़ी रहे भाई, घर गाड़ी मत खड़ी करो, गाड़ी रोड पर अच्छी लगे, घर ना घर तो आदमी होते। ये भाई मेरे लिए भी है क्योंकि मैं आपको बताऊं मेरी जो गाड़ी 2015 मॉडल है और अभी तक 40,000 नहीं चली, सोचो। अम्मा काहे बोल रहे मैं समझ गया भाई, हमारे साथ तो दिक्कत ये थी कि जहाँ पापा का बैंक वगैरह की जॉब थी तो बैंक वगैरह जो जॉब है वहाँ क्या होता, कहीं शादर में कहीं ब्रांच दे दी, अब कहीं कॉलोनी में है वहाँ लंबी गाड़ी खड़ी नहीं होती। अच्छा। अब वहाँ खड़ी नहीं होती तो वहाँ जानी लेके जा नहीं सकते, तू चला लेकर ऐसी डोल लेकर, अब तो आ तो गए ठीक है। तो यार वीडियो करते यहीं पे एंड, वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद, 2 सब्सक्राइब चैनल भाई दोनों का, करेक्ट है ना, दोनों का।
और लास्ट में वीडियो एंड करने भैया एक ही से बोलते जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।